तो आज हम वृत्त एवं उससे संबंधित प्रमेयों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले पुनरावर्तन के जरिए वृत्त के कुछ मूल बातों को जान लें। इस आकृति में यह वृत्त है, इस वृत्त का ओ केंद्र बिंदु है और किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त पर एक रेखा खींचे तो उस रेखा को त्रिज्या कहते हैं, अर्थात यहाँ पर OE एक त्रिज्या है, OE इस वृत्त की त्रिज्या है। और किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु के द्वारा किसी भी रेखा को खींचे जिसकी दोनों सिरे वृत्त पर हो तो उसे व्यास कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जो AB रेखा है वह व्यास है। और वह रेखा जिसके दोनों सिरे वृत्त पर हों पर वह केंद्र बिंदु O के जरिए ना जाए, अर्थात यहाँ पे जो CD रेखा है वह इस वृत्त का जीवा है। तो यह तीन चीजें वृत्त की मूल बातें हैं। आइए अब वृत्त के प्रमेयों के बारे में जानें। तो पहला प्रमेय है, पहले प्रमेय के बारे में जानें। तो इसमें केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। इस आकृति में ओ बिंदु इस वृत्त का केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु द्वारा एक जीवा ए बी पर एक लंब रेखा खींची गई है। अगर आप पैमाने के द्वारा नापे इस ए एम की लंबाई को एवं इस एम बी की लंबाई को तो आप पाएंगे कि यह ए एम की लंबाई एम बी की लंबाई के बराबर आ रहा है, अर्थात ए एम की लंबाई एम बी की लंबाई के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को संविभाजित करता है, अर्थात अगर केंद्र बिंदु O द्वारा एक लंब रेखा किसी जीवा AN पर खींचे तो आप पाएंगे कि AM MN के बराबर होगा। तो हमने एक प्रमेय के बारे में जाना, अब आइए वृत्त के दूसरे प्रमेय के बारे में जाने। आइए अब दूसरे प्रमेय के बारे में जाने। इसमें सर्वांगसम जीवाओं तथा केंद्र से उनकी दूरी के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो इस आकृति में देखें, अगर आप दो जीवा खींचे जो कि एक दूसरे के बराबर हो, अर्थात ए बी जीवा की अर्थात ए बी जीवा की लंबाई सी डी जीवा की लंबाई के बराबर हो, अगर आप केंद्र बिंदु ओ से इस जीवा ए बी की दूरी नापे और इस जीवा सी डी की दूरी केंद्र बिंदु ओ से नापे तो आप पाएंगे कि यह दूरियां एक दूसरे के बराबर आ रही है, अर्थात यह जो ओ एम है यह ओ एन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, अर्थात कोई भी दो जीवाएं एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात अगर ए बी सी डी के बराबर है तो आप पाएंगे कि ओ से ए बी की दूरी और ओ से सी डी की दूरी बराबर होगी, अर्थात ओ एम ओ एन के बराबर होगी। आइए अब तीसरे प्रमेय के बारे में जानें। इस प्रमेय में सर्वांगसम जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोणों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो इस आकृति में देखें, यह O इस वृत्त का केंद्र बिंदु है और यह AB और CD जीवाएं हैं और यह जीवाएं एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात अगर आप दो जीवाएं खींचेंगे जो एक दूसरे के बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र बिंदु O पर कोण बनाया जाएगा, इसे अंतरित कोण कहते हैं। और आप इसे चांदे के द्वारा नापेंगे तो आप पाएंगे कि यह कोण एक दूसरे के बराबर है, अर्थात कोण AOB कोण COD के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र पर सर्वांगसम कोण अंतरित करती है, अर्थात अगर आप दो जीवाएं बनाएंगे जो कि एक दूसरे के बराबर है, अर्थात अगर ए बी सी डी के बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। तो अभी हमने वृत्त के तीन प्रमेयों को जाना। यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है और इन प्रमेयों द्वारा आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अभी हमने प्रमेयों की जानकारी ली, अब आइए कुछ प्रश्न को करें। तो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में दो वृत्त एक दूसरे को M पर N बिंदु पर काट रही है,
यह ओ केंद्र बिंदु इस छोटे वृत्त का केंद्र बिंदु है और यह ओडैश केंद्र बिंदु इस बड़े वृत्त का केंद्र बिंदु है। और प्रश्न में दिया गया है कि वृत्त ओ की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त ओडैश की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और यह MN रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात करना है ओ डैश की लंबाई, हमें ज्ञात करना है ओ डैश की लंबाई। तो इसे किस प्रकार करें, आइए इसे हल करते हैं। तो और यहाँ पे ध्यान से देखें कि यह MN जीवा इस O केंद्र बिंदु वृत्त का जीवा है और यह MN रेखा इस ओ डैश केंद्र बिंदु वृत्त का भी जीवा है, अर्थात यह MN इन दोनों वृत्तों का सामान्य जीवा है। क्योंकि यह MN एक जीवा है और इस जीवा पर केंद्र बिंदु द्वारा एक लंब रेखा खींची जा रही है, तो यह MP और PN एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात अगर MN 8 सेंटीमीटर है तो यह MP की दूरी हो जाएगी 8/2 सेंटीमीटर अर्थात 4 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है ओ डैश। अगर हम OP एवं PO डैश निकाल दें और इन दोनों को जमा कर दें तो हम OO डैश निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले OP निकालें। तो इस त्रिकोण में देखें, OMP त्रिकोण में, त्रिकोण OMP में यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, अर्थात OM का वर्ग बराबर होगा MP के वर्ग जमा OP का वर्ग। OM की दूरी दे रखी है क्योंकि यहाँ पे OM देखें इस छोटे वृत्त का त्रिज्या है और त्रिज्या छोटे वृत्त का 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हो जाएगा 25 अर्थात 5 का वर्ग। MP का वर्ग या MP हमने अभी ज्ञात किया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग 16 जमा OP का वर्ग, तो यहाँ पे OP का वर्ग हो जाएगा 9, तो हमें पता चल गया OP 3। आइए अब PO डैश को निकालें। तो वृत्त MPO डैश में देखें, इस वृत्त में MO डैश का वर्ग बराबर होगा PO डैश के वर्ग जमा MP डैश वर्ग। यहाँ पर MO डैश बड़े वृत्त का त्रिज्या है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग अर्थात 36 और PO डैश हमें निकालना है, तो इसे PO डैश वर्ग लिखते हैं। और MP हमने अभी भी निकाला 4 सेंटीमीटर और 4 का वर्ग, तो यहाँ पे PO डैश हो जाएगा, PO डैश का वर्ग हो जाएगा 36 × 16 अर्थात 20, तो यहाँ पे PO डैश हो जाएगा वर्गमूल 20। अब हमें OP पता चल गया और PO डैश पता चल गया, तो OO डैश की लंबाई हो जाएगी OP प्लस PO डैश अर्थात 3 जमा वर्गमूल 20। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में देखें, इस प्रश्न में इस केंद्र बिंदु ओ वृत्त के 3 जीवाएं हैं CD, BC और AB और यह एक दूसरे के बराबर दी हुई है और यह तीनों जीवाएं त्रिज्या के भी बराबर दी गई है, तो हमें ज्ञात करना है इस कोण AOD को। तो इसे कैसे ज्ञात करें, आइए इसे हल करें। पहले O से C को जोड़ दें, इस प्रकार हमने जोड़ दिया। अब यहाँ ध्यान से देखें कि यह CO इस वृत्त की त्रिज्या है और यह OD भी वृत्त की त्रिज्या है और प्रश्न में दिया हुआ है कि CD त्रिज्या के बराबर है, अर्थात यह CD इन त्रिज्याओं के बराबर है, अर्थात यह भी CD के बराबर होगी और यह OD भी CD के बराबर होगी। अब यहाँ ध्यान से देखें कि यह त्रिकोण एक समभुज त्रिकोण बन गया है क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि अब यह समभुज त्रिकोण है और हम जानते हैं कि समभुज त्रिकोणों का हर कोण 60 डिग्री होता है, तो हमें यह कोण पता चल गया, यह कोण है 60 डिग्री। तो कोण COD पता चल गया हमें 60 डिग्री। अब यहां ध्यान से देखें,
क्योंकि यह सीडी और बीसी एक दूसरे के बराबर हैं और यह इस केंद्र बिंदु ओ वृत्त की जीवाएं हैं, तो इस सीडी द्वारा इस केंद्र बिंदु ओ पर अंतरित कोण और इस बीसी द्वारा ओ बिंदु पर अंतरित कोण बराबर होंगे, अर्थात यह अगर 60 डिग्री है तो यह कोण भी 60 डिग्री होगा, अर्थात कोण बीओसी भी 60 डिग्री है। और यह एबी भी बीसी जीवा के बराबर है, तो इस एबी द्वारा केंद्र बिंदु ओ पर अंतरित कोण भी 60 डिग्री के बराबर होगा, तो हमें एओबी कोण का भी ज्ञात पता चल गया जो कि 60 डिग्री है। और कोण एओडी हमें ज्ञात करना है, और कोण एओडी कोण सीओडी जमा कोण बीओसी जमा कोण एओबी के बराबर है, अर्थात 60 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा 60 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। तो यहां पर कोण एओडी का माप है 180 डिग्री। आइए अब तीसरे प्रश्न को हल करें। इस प्रश्न में दिया गया है कि एबी जीवा या एबी एक जीवा है और सीडी जीवा या सीडी जीवा एक दूसरे के बराबर दे रखी है, या एबी जीवा सीडी जीवा एक दूसरे के बराबर दे रखी है, और हमें साबित करना है कि यह डीक्यू की लंबाई और यह बीक्यू की लंबाई एक दूसरे के बराबर है। तो इसे कैसे साबित करें, आइए इसको साबित करते हैं। क्योंकि यह एबी जीवा और यह सीडी जीवा एक दूसरे के बराबर है, तो केंद्र बिंदु ओ द्वारा इन दोनों जीवाओं की दूरी बराबर होगी, अर्थात यहां से आप एक लंब रेखा खींचे और इस ओ से इस पर भी एक लंब रेखा खींचे, मान लेते हैं यह एम और यह एन, तो ओ एम ओ एन के बराबर होगा। अभी हमने एक प्रमेय किया और इसको भी हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर दो त्रिकोणें बन रही हैं QOM और QON। अगर हमें पता चल जाए कि यह MQ रेखा QN रेखा के बराबर है, तो हम साबित कर सकते हैं कि DQ रेखा BQ रेखा के बराबर है। तो आइए सबसे पहले MQ को QN के बराबर साबित करें। तो इसे साबित करने के लिए देखें इन दोनों त्रिकोणों को QOM और QON को, आइए इन्हें अनुकूल करने की कोशिश करें। तो इस त्रिकोण में देखें कि यह QO या QO लंबाई दोनों त्रिकोण में सामान्य है, तो हम त्रिकोण QOM एवं त्रिकोण QON में देख रहे हैं। यह QO दोनों त्रिकोणों में सामान्य है, और यह कोण QMO और QNO एक दूसरे के बराबर है क्योंकि यह 90 डिग्री के बराबर है। कोण QMO कोण QNO के बराबर है 90 डिग्री, और यह OM ON के बराबर है क्योंकि अभी हमने इसे साबित किया। एक के जरिए तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोण QOM अनुकूल है त्रिकोण QON के RHS प्रमेय द्वारा। क्योंकि हमने इस QOM त्रिकोण एवं इस QON त्रिकोण को हमने अनुकूल साबित कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि यह QM रेखा एवं QN रेखा भी एक दूसरे के बराबर होती है। अब देखें ध्यान से, ABCD के बराबर इस प्रश्न में दिया हुआ है। अब इन AB और CD को आधा कर दें। यहाँ पे ध्यान से देखें कि यह O द्वारा इस AB जीवा पर एक लंब रेखा खींची जा रही है और किसी भी केंद्र बिंदु द्वारा किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु द्वारा किसी जीवा पर
लंब रेखा खींची जाती है तो वह लंब रेखा जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, अर्थात यह MB और MA एक दूसरे के बराबर है, अर्थात यह MB रेखा या AB जीवा की आधी है, अर्थात AB by 2 हम लिख सकते हैं MB। इसी प्रकार CD by 2 हम लिख सकते हैं ND। अब इस MB में से हम MQ को घटा कर देते हैं और ND में से भी MQ को घटा कर देते हैं। हमने MB में से MQ को घटा किया और ND में से भी MQ को घटा किया, तब भी ये बराबर होंगे। अब हम जानते हैं कि यह MQ QN के बराबर है, तो MB माइनस QN बराबर होगा ND माइनस MQ के, और यह MQ को हम QN भी लिख सकते हैं, तो मैंने QN लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखें कि इस MB रेखा में से अगर हम MQ को घटा कर दें, इस MB में से इस MQ को घटा कर दें तो हमें BQ मिलेगा, तो इसे हम BQ लिख सकते हैं। और इस ND रेखा में से अगर हम इस NQ को घटा कर दें तो हमें यह DQ मिले, तो यह DQ, तो BQ DQ के बराबर हमें यही साबित करना था, तो हमने इस प्रकार इसे साबित कर दिया। तो आज हमने वृत्त के बारे में पढ़ा एवं उसके कुछ प्रमेयों के बारे में भी जाना एवं हमने कुछ प्रश्नों को हल किया जिससे हम वृत्त के प्रमेयों को अच्छे प्रकार जान सके। धन्यवाद।